अगर रहना है आपको स्वस्थ बिल्कुल तो सब्सक्राइब कीजिए मेडिसिन गुरुकुल। हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसिन गुरुकुल में। आज हम हेप्टाग्लोबिन सिरप के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि ये किस किस चीज़ों में लाभदायक है और इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, हमको इसे किस क्वांटिटी में लेना चाहिए। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखें। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि हेल्थ से जुड़ी अच्छी जानकारियां हम आपको इस चैनल पर लाते जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सिरप एक ऐसा सिरप है जो आपको हर छोटे से छोटे बड़े से बड़े केमिस्ट पे आपको आराम से आसानी से मिल जाएगा। चलिए हम बात करते हैं इसके लाभ के बारे में कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। इसका मेन काम हमारी बॉडी में खून की मात्रा को बढ़ाना होता है। इस सिरप को पीने से हमारे शरीर में खून की कमी नहीं होगी, इसका मेन काम यही होता है। साथ ही साथ अगर आपके शरीर में कमज़ोरी लगती है तो उसको ये दूर करता है। अगर आपके शरीर में विटामिन B9 की कमी है तो उसको ये पूरा करता है। अगर आपके शरीर में ग्रोथ नहीं हो रही है तो भी ये काफ़ी लाभदायक है। अगर आपको भूख नहीं लगती है तो उसमें भी ये काफ़ी कारगर साबित होता है। अगर आपके शरीर में आयरन की कमी है तो ये पूरी करता है। काफ़ी सिचुएशन में प्रेग्नेंट लेडी को भी ये सिरप दिया जाता है। लेडीज डॉक्टर काफ़ी इस सिरप को डिलीवरी से पहले रिकमेंड करती हैं, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडीजों के लिए खून की कमी और आयरन की कमी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, जिसमें ये सिरप उनके लिए रामबाण काम का इलाज करता है। तो ये सिरप उन लेडीजों को काफ़ी हेल्पफुल होता है। प्रेगनेंसी के दौरान भी ये दिया जाता है, तो इसके काफ़ी फ़ायदे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी डोज के बारे में। ये सिरप 15 साल से बड़े ही लोग लें, यानी एडल्ट ग्रुप के लोग ही इसको लें। इस सिरप को आप 5 ml सुबह, 5 ml शाम, आधा गिलास पानी में मिलाकर पी सकते हैं खाना खाने के बाद। आप इसको 1 महीने तक पीजिए। आप एक सिरप मार्केट से परचेज कर लीजिए, इसको एक सिरप आप पीजिए। एक सिरप में आपको इसका बेनिफिट पता लग जाएगा। अगर आपको बेनिफिट लगे तो आप इसको 1 महीने तक कंटिन्यू कर सकते हैं। महीने में आपकी 2 सिरप ख़त्म होंगे, 1 सिरप 15 दिन में आपका ख़त्म हो जाएगा। आप 2 सिरप पीजिए, आपको इन बीमारियों से पूरी राहत मिलेगी। अब चलते हैं हम इसके बात करते हैं साइड इफ़ेक्टों के बारे में। साइड इफ़ेक्ट हैं क्या? अगर आपको हल्का फीवर आ सकता है इसको पीने के बाद, या फिर आपको सर दर्द हो सकता है, बदन में इचिंग भी हो सकती है, उलझन भी हो सकती है, तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। काफ़ी रेयर केस में ये साइड इफ़ेक्ट होते हैं, वैसे जनरली ये ज़्यादातर होते नहीं हैं। अगर इस तरह की आपको इसको पीने से कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और उसकी सलाह के बाद ही आप इसको रेगुलर लें। उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमसे कोई भी प्रॉब्लम की जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। धन्यवाद।